I am Dr. Mati, Department of Physics, Islamic College, Peshawar. Dear students, today we are going to study an expression for the velocity of electromagnetic waves. देखिए, last time हमने पढ़ा था Maxwell equations, okay? और Maxwell के दो equations हमने पढ़े थे, ठीक है? एक इक्वेशन ये थी कि व्हेन एवर यू चेंज द मैग्नेटिक फील्ड तो देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड, और नंबर टू थी कि व्हेन एवर यू चेंज द इलेक्ट्रिक फील्ड तो देयर विल बी मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन एक बात आप याद रखें, जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन की वजह से पैदा हो जाती है, चेंज की वजह से पैदा हो जाती है, This is called induced electric field. इसे कहते हैं induced electric field. और जो magnetic field changing E की वजह से पैदा हो जाती है, This is called induced magnetic field. And remember these two fields, these two induced electric and magnetic fields, they are perpendicular to each other at each and every point. देखिए, ये हमने पढ़ा था If this is a loop, or this loop is placed in a varying magnetic field, in a time varying magnetic field, so what happens? The time varying magnetic field is given you induced electric field. तो ये induced electric field इस magnetic field को हर point पे क्या होगा? Perpendicular. देखिए हर point पे this is perpendicular to this field. फिर हमने पढ़ा था कि व्हेन एवर यू चेंज ई, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रहे हैं तो देयर विल बी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो गौर से देखो, फॉर एग्जांपल ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, दोबारा देखिए, ये एसी सोर्स है। जब आप कैपेसिटर को एसी सोर्स के साथ अप्लाई वो करें, कनेक्ट करें, सो इन द फर्स्ट हाफ साइकिल दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। तो देखें, if this plate is positively charged, ठीक है, तो this plate is negatively charged. देखें, AC current के first quarter cycle में this plate is positively charged, this is negative. So what happens? It means अगर यहां पर एक positive charge आ जाता है तो यहां पर एक negative, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो व्हाट हैपेंस, हमने चैप्टर वन में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम कन्वेंशनली पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लेते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस, इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में जो रीजन है, इस रीजन में द इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस, मतलब इस रीजन के अंदर डेल्टा ई बाय डेल्टा टी इज टेकिंग प्लेस। और देखें, डेल्टा ई बाय डेल्टा टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बी, और हमने ये पढ़ा था कि ये जो डेल्टा ई बाय डेल्टा टी है, दिस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्प्लेसमेंट करंट। देखें, इन प्लेट्स के दरमियान में जो स्पेस है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट, and according to Ampere's law, current is responsible for magnetic field. तो याद रखिए, यहाँ पर एक magnetic field पैदा हो जाती है, ठीक है? If you see here, यहाँ पर the magnetic field is straight, the electric field is circular, लेकिन perpendicular to each other. यहाँ पर the electric field is straight, लेकिन the magnetic field is circular. But they are perpendicular to each other, ठीक है? अब आप देखिए, इसके बाद क्या होता है? Second quarter cycle में ये charges वापस source की तरफ आ जाते हैं, तो electric field decreases, 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 और 180 पर zero. 180 के बाद this terminal is positive, this is negative.
देखिए करंट गोज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सो दिस प्लेट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड दैट प्लेट इज नेगेटिवली चार्ज्ड, देयरफॉर वी से कि फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में डेल्टा ई बाय डेल्टा टी इंक्रीजेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो अगेन एन इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड लेकिन परपेंडिकुलर। तो देखिए 270 पर इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स मैक्सिमम इन ऑपोजिट डायरेक्शन और फिर इसके बाद चार्जेस आर बैक टू द सोर्स, तो व्हाट हैपेंस, वो इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूसेस। ओके, तो रिड्यूस का मतलब है अगेन ई इज चेंजिंग, तो मैग्नेटिक फील्ड इज देयर। तो प्लीज रिमेंबर इस केस में मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। लेकिन रिमेंबर दीज टू इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, आप और से देखिए, ये अगर आप अलोंग दिस एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड ले लें, अलोंग दिस एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड ले लें, सपोज लेट अस सपोज अगर ये वाई एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस और दिस इज जेड एक्सिस, तो अलोंग एक्स एक्सिस वी हैव टेकन द इलेक्ट्रिक फील्ड और अलोंग जेड एक्सिस वी हैव टेकन द मैग्नेटिक फील्ड। सो व्हाट विल हैपन, ये जब देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाती है, देखिए मैग्नीट्यूड में बढ़ जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस इन मैग्नीट्यूड। आप लोग गौर से देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने रेड से जाहिर किया है और मैग्नेटिक फील्ड को मैंने ग्रीन से रिप्रेजेंट किया है। इफ यू सी व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिंग, तो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड भी आहिस्ता आहिस्ता मैग्नीट्यूड में बढ़ जाते हैं और फिर आप देखिए कम लाइक दिस। लेकिन याद रखिए इफ मैग्नेटिक फील्ड इज वेरिंग इन मैग्नीट्यूड, अब आप देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड सपोज आप किसी और डायरेक्शन में इट इज इंक्रीजिंग, लेकिन ये मैंने पैरेलल टू जेड एक्सिस दिया है लाइक दिस। ठीक है, लेकिन इन अनदर देखिए ये ई किस डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में, और बी किस डायरेक्शन में है, जेड डायरेक्शन में। नाउ इफ बी इज वेरिंग इन जेड डायरेक्शन, ठीक है, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो आप देखें नाउ अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। बट इफ यू सी दीज टू आर परपेंडिकुलर, आप लोग देखिए यहां पर भी ये दोनों परपेंडिकुलर है, यहां पर भी ये दोनों परपेंडिकुलर है, क्योंकि y एक्सिस और z एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होती है। और आप लोग देखिए व्हेन दिस e इज वेरिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो आप देखिए व्हाट हैपेंस, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। देखिए इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, तो इस डायग्राम का मतलब ये है कि व्हेन e इज वेरिंग इसको परपेंडिकुलर b इज प्रोड्यूस्ड और when B is varying इसको perpendicular E, तो आप देखिए whenever E is varying there is B, when B is varying there is E, लेकिन they will be perpendicular to each other। ठीक है, for example like this है, if it is suppose if this is E तो इसको perpendicular this is B, so when E is varying B is there, when B is varying E is there, so they are perpendicular to each other। और इस वेरिएशन ऑफ ई और वी की वजह से व्हाट हैपेंस, एनर्जी इज रिलीज्ड एंड दिस एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ वेव्स जिन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्या मतलब है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मतलब है जिसमें ई एंड बी कंपोनेंट्स आर देयर, ई एंड बी फील्ड्स आर देयर, यानी वो वेव्स जो ई और बी के वेरिएशन की वजह से जेनरेट हो जाती है, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और याद रखिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, ठीक है, लेट अस सपोज इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, तो जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है
वो ई और बी दोनों को परपेंडिकुलर होता है, यानी व्हेन ई इज वेयरिंग देयर इज बी, व्हेन बी इज वेयरिंग देयर इज ई, तो ई और बी के वेरिएशन की वजह से एनर्जी इज रिलीज्ड एंड एनर्जी इज ऑलवेज प्रोपेगेटिंग इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, देयरफॉर दीस वेव्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और याद रखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो वेलोसिटी है दैट वाज डिटरमाइंड बाय मैक्सवेल बाय सॉल्विंग दीस टू इक्वेशंस। तो आप लोगों के बुक में इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन याद रखिए वी आर गोइंग टू सॉल्व दैट एंड वी आर गेटिंग एन एक्सप्रेशन आर इक्वेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो अगर आप इन दोनों को सॉल्व करें तो आप ऐसा करें डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर वन बाय टू, तो डिवाइड करें ई डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल टू व्हाट इज ई, तो ये लिखो डिवाइडेड बाय दिस so this could be written as a divided by 2 pi r delta b divided by delta t। ये divided by multiply करो तो ये उल्टा हो जाएगा, तो देखिए this will be 2 pi r divided by mu naught epsilon naught और this is delta t by delta। और इधर ए भी है, दिस इज ए, तो ये एक नीचे। तो देखो व्हाट विल हैपन, लुक इट, ये ए बाय टू बाय आर इस टू बाय आर बाय ए के साथ कैंसिल, यानी ये ए के साथ कैंसिल हो और टू बाय आर के साथ कैंसिल, ठीक है। तो इससे क्या जाएगा, we get like this कि e divided by b is equal to this is del b divided by del t multiplied by 1 over mu naught epsilon naught, और इधर I'll write delta t divided by। देखिए ये हम इस तरह लिख सकते हैं e divided by b is equal to ये जो 1 over mu naught epsilon naught है इसे मैं इधर लिखता हूँ, यानी बाहर लाइक दिस, और देखो ये मैं इस तरह लिखता हूँ क्योंकि ये मल्टीप्लाई है आपस में, नो प्रॉब्लम। del by del t क्या है, टाइम ऑपरेटर, तो इस टाइम ऑपरेटर को मैं सेपरेट लिखता हूँ, और ये देखिए इनवर्स टाइम ऑपरेटर, this is inverse time operator, ठीक है, इसे आप भी कर लेंगे, this is one over e, ठीक है, and bracket closed। Now, if you see del by del t time operator है, और ये del by del इसका inverse है, तो ये cancel, ठीक है, ये del by del t है, और ये del t by del है, तो ये इसके साथ cancel। ठीक है, तो यहां पर क्या रह जाएगा, देखिए वी आर गेटिंग ई डिवाइड बाय बी, ठीक है, और ये आ जाएगा 1 ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और इधर ये आ जाएगा बी डिवाइड बाय ई। अब आप देखिए अगर ये ई इधर आ जाए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और ये बी नीचे आ जाए तो स्क्वायर हो जाएगा, तो देखें ये इधर ले आओ तो दिस विल बी e स्क्वायर डिवाइड बाय b स्क्वायर, और यह आ जाएगा 1 ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन, ठीक है। सो दिस वुड बी रिटन लाइक दिस,
बाय बी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं ई डिवाइडेड बाय बी होल स्क्वायर, और यह जाएगा वन ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट ले लेते हैं कि ई बाय बी आ जाएगा और दिस इज म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट। ठीक है, लाइक दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री। लेकिन इफ यू रिमेंबर व्हाट इज ई बाय बी, ई बाय बी जो है ये हमने ई बाय एन रेशियो में पढ़ा था, डिटरमिनेशन ऑफ चार्ज टू मास रेशियो फॉर इलेक्ट्रॉन में हमने पढ़ा था। व्हाट इज ई बाय बी, ई बाय बी इज वेलोसिटी, सो देयरफॉर वेलोसिटी इज इक्वल टू 1 ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट। सो दिस इज द इक्वेशन और एक्सप्रेशन फॉर द velocity of electromagnetic waves. ठीक है, this is an equation for the velocity of electromagnetic waves. लेकिन remember अगर आप इसमें values put करें so put in the values in equation number 4 इसमें आप वैल्यूज पुट करें, हमें पता है कि म्यू नॉट का वैल्यू है, म्यू नॉट का मतलब है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, एम्पियर लॉ में पढ़ा था, ये है 4 पाई 10 रेज टू पावर माइनस 7 वेबर पर एम्पियर मीटर, और यह है कि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है 8.85 10 raised to power minus 12 coulomb square per newton meter square। ये कहां पर आता है, coulomb's law में पर आता है। ये values आप इधर लेंगे, शाबाश, equation number 4 में ये values लेंगे, तो V is equal to 1 over 4 pi 10 raised to power minus 7 Weber per ampere meter, और इधर लिखो 8.85 10 raised to power minus 12 एंड दिस इज कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर और अंडर द रूट। सही है, ये अगर आप सॉल्व करें तो याद रखिए कि आर गेटिंग 3 इंटू 10 raised to power 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एंड व्हाट इज दिस, what is this, this is the velocity of light in vacuum, this is the speed of light in vacuum, so it means ki the velocity of all electromagnetic waves, theek hai, wo hai gamma rays, x-rays, ultraviolet, visible, infrared, microwaves, radio waves, tamam electromagnetic waves ki jo velocity hai, this is equal to the velocity of light. ठीक है, this is equal to the velocity of light. तो it means कि मैक्सवेल ने मैथमेटिकली ये प्रूफ किया, मैक्सवेल ने मैथमेटिकली ये प्रूफ किया कि तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो वेलोसिटी है that is equal to the velocity of light. So alternatively we can say, बल्कि he said कि light is also electromagnetic in nature. याद रखिए, Maxwell ने without any experimental work, without any experiment, mathematically he proved कि तमाम electromagnetic waves की velocity in vacuum velocity of light के बराबर है. It means light is also electromagnetic in nature. तो he proved with his own mathematical calculation कि light is electromagnetic in nature because light की जो velocity है, ठीक है, वो electromagnetic waves की velocity के बराबर है, या electromagnetic waves की जो velocity है वो चूंकि light की velocity के बराबर है, तो therefore light is also electromagnetic in nature.
natural, and he proved this mathematically. Okay. देखिए ये जो e by v है ये velocity के बराबर है. इसे जरूर देखिए. ये look at it. यहाँ पे this is enough. ठीक है. लेकिन for your information, देखिए e by v जो है ये बराबर है 1 over epsilon mu not epsilon not under root. आप जरा और से देखें, ये हम देखना चाहते हैं कि e by v के जो dimensions है ये velocity के बराबर है या नहीं, और फिर ये देखना चाहते हैं कि mu not epsilon not के जो dimensions है ये velocity के बराबर है या नहीं. तो ऐसा करते हैं, पहले we are taking the left hand side. अगर आप लेफ्ट हैंड साइड ले लें ये वाला, तो आप लोग देखिए E divided by V. If you see, electric field का मतलब है force per unit charge. Force per unit charge. तो इसका unit है newton per coulomb. Force per unit charge. Newton per coulomb. Divided by magnetic field का unit है tesla. ठीक है. और हमने देखिए थोड़ा था लास्ट चैप्टर में कि मैग्नेटिक फोर्स बराबर है ILB. तो B जो है ये हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स डिवाइड बाय IL. तो इसका यूनिट है टेस्ला, फोर्स का यूनिट न्यूटन, इसका एम्पीयर, इसका मीटर. तो देखिए ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि न्यूटन डिवाइड बाय कूलम, और ये अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये 1/T हो जाएगा. सो दिस इज न्यूटन पर कूलम, और मल्टीप्लाई बाय 1/Tesla की जगह ले तो न्यूटन पर एम्पीयर मीटर. ठीक है. तो दिस कुड बी रिटन एज न्यूटन पर कूलम मल्टीप्लाई बाय ये एम्पीयर मीटर ऊपर चला जाएगा. सो दिस विल बी एम्पीयर इनटू मीटर डिवाइडेड बाय न्यूटन. ये न्यूटन न्यूटन के साथ कैंसिल करो. तो देखिए ये आ जाएगा एम्पीयर इनटू मीटर डिवाइड बाय कूलम. ठीक है. आपको पता है करंट बराबर होता है क्यू डिवाइड बाय टी. इसका मतलब है एम्पीयर बराबर है कूलम डिवाइड बाय सेकंड, या कूलम बराबर है एम्पीयर इनटू सेकंड. ये वैल्यू इधर को करें कूलम की जगह. तो देखिए ये आ जाएगा एम्पीयर डिवाइड बाय कूलम की जगह लेको एम्पीयर इनटू सेकंड. ये कैंसिल करो तो अब देखिए इससे आ जाएगा मीटर पर सेकंड. व्हाट इज मीटर पर सेकंड? दिस इज द वेलोसिटी. ठीक है. दिस इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी. तो लेफ्ट हैंड साइड के जो डायमेंशंस हैं ये वेलोसिटी के बराबर है. ठीक है. दिस इज डायमेंशनली वेलोसिटी. अगर चीजें e by m रेशो में हमने पढ़ा भी था. नो वी आर गोइंग टू टेक द राइट हैंड साइड. ठीक है. राइट हैंड साइड अगर आप ले लुक एट टेकिंग द लाइट टू द राइट हैंड साइड. ओके. ये साइड है राइट हैंड साइड. ये है 1/μ0ε0√. देखिए ये मैं लिख सकता हूँ. व्हाट इज म्यू नॉट? म्यू नॉट का यूनिट है वेबर पर एम्पीयर मीटर. वेबर पर एम्पीयर मीटर. ठीक है. और एप्सिलॉन नॉट का यूनिट है कूलम स्क्वायर डिवाइड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, और दिस इज अंडर द रूट. तो देखो लुक इट, वेबर का मतलब है, देखिए वेबर का मतलब है टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय एम्पीयर इनटू मीटर. इफ यू रिमेंबर मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर है बी डॉट ए. तो इसका यूनिट वेबर है, ये टेस्ला है, ये मीटर स्क्वायर है. ठीक है. और ये आ जाएगा कूलम स्क्वायर डिवाइड बाय न्यूटन इनटू मीटर. देखो ये मीटर स्क्वायर इस मीटर स्क्वायर के साथ कैंसिल, और टेस्ला की जगह लेको न्यूटन पर एम्पीयर मीटर. ठीक है. टेस्ला की जगह
तो ये आ जाएगा वन ओवर, दिस इज टेस्ला, इसकी जगह लिखो न्यूटन पर एम्पियर मीटर और डिवाइड बाय एम्पियर इनटू मीटर, ठीक है। और इधर आ जाएगा कूलम स्क्वायर डिवाइड बाय न्यूटन। देखिए ये न्यूटन इस न्यूटन के साथ कैंसिल, ठीक है। ये टेस्ला की जगह न्यूटन पर एम्पियर मीटर और डिवाइड बाय एम्पियर इनटू मीटर और दिस इज कूलम स्क्वायर डिवाइड बाय न्यूटन, ठीक है। और ये आप देखिए इधर आ जाएगा तो ये इस तरह हो जाएगा वन ओवर, ये ऊपर चला जाए, ठीक है, ये इस तरह ऊपर आ जाए कि ये दिस इज वन ओवर एम्पियर इनटू मीटर डिवाइडेड बाय, तो ये मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा, तो दिस विल बी एम्पियर स्क्वायर इनटू मीटर स्क्वायर और दिस विल बी कूलम स्क्वायर, ठीक है। And now we can write it like this. देखें कूलम स्क्वायर बराबर है एम्पियर स्क्वायर इनटू सेकंड स्क्वायर, तो ये मैं लिखूंगा दिस इज वन ओवर एम्पियर स्क्वायर इनटू मीटर स्क्वायर और इसकी जगह आई राइट कूलम बराबर है एम्पियर इनटू सेकंड, एम्पियर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। देखिए ये एम्पियर स्क्वायर के साथ कैंसिल, तो इधर आ जाएगा वन ओवर, अब देखिए सेकंड स्क्वायर डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये सेकंड स्क्वायर मीटर स्क्वायर ऊपर चला रहे तो उल्टा हो जाएगा, तो ये मैं इस तरह लिखूंगा, देखिए दिस विल बी सेकंड स्क्वायर मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। और मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर का स्क्वायर रूट आप ले तो दिस इज मीटर पर सेकंड एंड व्हाट इज मीटर पर सेकंड दिस इज वेलोसिटी, तो इसका मतलब है कि डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है, इट मींस दिस इज द इक्वेशन और दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक waves. Thank you.